सोलन में सिटी कांग्रेस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम चौधरी से पूछे गए 3 सवालों पर पलटवार किया और कहा कि उनके नेता जमीन से जुड़े हैं और बड़े बड़े बंगलों में चौकीदार के बीच नहीं रहे। वे सोलन के PWD के रेस्ट हाउस में रहते हैं जहां कोई भी व्यक्ति आसानी से पहुंच सकता है। सोलन में सिटी कांग्रेस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल से पूछे गए 3 सवालों पर पलटवार किया और कहा कि उनके नेता जमीन से जुड़े हैं और वे बड़े बड़े बंगलों में चौकीदार और कुत्तों के बीच नहीं रहे। वे सोलन के PWD के रेस्ट हाउस में रहते थे जहां कोई भी व्यक्ति सुगमता से पहुंच सकता था। उन्होंने कहा कि उनके विधायक ने करीबन 463 करोड़ विकास के कार्यों पर खर्च किए और शायद यह विकास के कार्य भाजपा पचा नहीं पा रही, लेकिन दूसरी ओर भाजपा को नाकामी छुपाने के लिए सांसद का प्रत्याशी ही बदलना पड़ा। अंकुश सूद ने कहा कि धनीराम शांडिल बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और यही वजह है कि वे बड़े आलिशान भवनों में नहीं रेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं का हल करते थे। अंकुश ने भाजपा नेताओं को घेरते हुए कहा कि उनके नेता धनीराम शांडिल ने 463 करोड़ के कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं। अब कांग्रेस ये जानना चाहती है कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास के कार्य किए हैं जिन्हें वे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पछात के नारे के युवाओं के लिए एक कॉलेज दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे बंद करवा दिया। ऐसे ही सोलन में भी विकास के कार्यों पर भाजपा ने रोक लगा दी है, इसलिए भाजपा विकास नहीं विकास पर रोक लगाने का कार्य कर मतदाताओं को मूर्ख बनाना चाहती है। भाजपा के कुछ लोग कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनसे कई सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे हंसी आती है जब वो खुद ही बोलते हैं कि कर्नल धनीराम शांडिल रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में रहते हैं और साथ में उनका एड्रेस भी पूछते हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वैसे तो कर्नल शांडिल जी बशील गांव में रहते हैं, पर बशील गांव तक पहुंचना सोलन के हर व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए सेंटर पॉइंट वो रेस्ट हाउस में रहते हैं जो कि एक सरकारी संपत्ति है और जहां पर कोई भी आम पब्लिक भी आराम से आ जा सकती है। वो कोई भूमाफिया नहीं है और ना कि भाजपाओं की नेताओं की तरह भ्रष्टाचारी है कि जिन्होंने MLA या MP रहते हुए पैसों का गमन किया हो और जगह जगह पर अपनी बिल्डिंगें बनाई हो। कर्नल धनीराम शांडिल जी बहुत ही ईमानदार व कर्मठ कार्यकर्ता हैं, यही उनकी पहचान है। उन्होंने 463 करोड़ रुपए सोलन कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर खर्चे जो ऑन रिकॉर्ड है। शांडिल जी के कार्य तो मैंने आपको बताए, पर आप सुरेश कश्यप जी के कार्य मुझसे पूछिए। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में राजगढ़ के अंदर जो पहला कॉलेज जो खोला गया था वो कांग्रेस सरकार ने खोला और सुरेश कश्यप जी ने उसको बंद करने का काम किया। अब वो किस मुंह से जाकर वहां के लोगों से वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, सुरेश कश्यप जी ने ऐसा कौन सा मील के पत्थर वाला काम पछात के लिए किया जो कि आइडल बना हो और वो पूरे पार्लियामेंट्री को बताना चाहे कि हाँ जी मैंने पछात के अंदर ये कार्य किए हैं और अब मैं पूरी पार्लियामेंट्री को भी ऐसे ही कार्य करूंगा। भाजपा के कुछ लोग बोलते हैं कि शांडिल जी जो हैं वो इसे संभाल नहीं पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं संभाल पाए तो वो पार्लियामेंट्री को क्या संभाल पाएंगे। मैं उनके बताना चाहूंगा कि कर्नल शांडिल जी का कद बहुत बड़ा है, वो 7 प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं, CWC मेंबर रह चुके हैं, 2 बार MP और दूसरी बार विधायक चुन चुके हैं। अगर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं होता तो मुझे लगता है कि जनता बेवकूफ नहीं है जो उन्हें दूसरी बार विधायक बना। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए H2Day के साथ। नमस्कार।